नमस्कार गली 99 में आपका स्वागत है। मैं हूं पांचा पुरी। अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबर पर। महिलाओं पर नहीं हो सकता छेड़छाड़ और रेप का केस दर्ज। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का कहना है कि महिलाओं से छेड़छाड़ या फिर रेप का केस उन पर दर्ज नहीं किया जा सकता और ये काम संसद का है, इसमें कोर्ट कोई दखल नहीं देगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फिनाले आज। भारत ने पाकिस्तान को हराकर फिनाले में अपनी जगह बनाई थी और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर 217 का टारगेट सेट किया है। अब देखना यह है इंडिया इस टारगेट को चेस कर पाती है या नहीं। यूपी में पुलिस एक्शन मोड में। 60 घंटे में 18 एनकाउंटर और 30 लोगों को किया गिरफ्तार। सीलिंग के विरोध में आज व्यापारी फिर से स्ट्राइक पर है, वो विरोध वापस नहीं लेना चाहते। आज ये दूसरा दिन है जिसके कारण चांदनी चौक, नाट प्लेस, खान मार्केट, कृष्णा नगर, गांधी नगर जैसे सभी मार्केट आज भी रहेंगे बंद। पाकिस्तान से काफी दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है जहां एक मंत्री ने अपनी बीवी को 3 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर सुसाइड कर लिया। वहीं अगर मनोरंजन जगत की बात करें तो काफी टाइम से विरोध करने के बाद करणी सेना ने पद्मावत फिल्म देखने के बाद कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई इस फिल्म को देखकर, जिसके बाद उन्होंने ये विरोध वापस ले लिया है और अब वो संजय लीला भंसाली की राजस्थान और गुजरात में प्रोडक्शन में मदद भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दिल्ली 99।